नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं विकास कुमार एसजी चैनल पर। दोस्तों बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, माफी चाहता हूं, कुछ तबीयत की प्रॉब्लम थी, तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए बहुत दिनों से हम करीब 7-8 दिनों से टेस्ट पेपर नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आज से हम वापस कंटिन्यू चालू कर रहे हैं। देखिए 1500 क्वेश्चनों की एसएससी की एग्जाम्स के लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज चल रही थी, और अभी हमारे पास बहुत समय, क्योंकि इस टाइम आप सबको पता है कोविड का काल चल रहा है। पिछली बार जब मैं वीडियो ले रहा था उस टाइम स्थिति इतनी खराब नहीं थी, 8-10 दिन पहले, लेकिन अभी 8-10 दिनों में बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई है, और जितनी भी एग्जाम्स है जून जुलाई अगस्त में होने वाली वो एग्जाम्स अभी होने वाली नहीं है, इसलिए हमारे पास समय बहुत है दोस्तों। तो आराम से जब तक हम टेस्ट सीरीज को सॉल्व करें और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करें। तो लास्ट जो वीडियो था दोस्तों टेस्ट सीरीज का, उसमें मैंने आपको 120वां क्वेश्चन जो है वो पूछा था, और 120वें क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा था कि सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक क्रियाशील यानी रिएक्टिव जो है हेलोजनों के अंदर, वो सबसे रिएक्टिव कौन सी। 119 क्वेश्चन मैंने करवाया था, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। कमेंट में सबने आंसर जो दिया था वो बिल्कुल सही दिया था। राइट आंसर जो है वो कौन सा था दोस्तों, फ्लोरीन था। कौन सा था? राइट आंसर इज फ्लोरीन, बिल्कुल सही था। तो 120 में आप ए लगा लीजिएगा। अभी हम चलते हैं दोस्तों 121वें क्वेश्चन की तरफ। 1500 क्वेश्चन करवाने दोस्तों मुझे, मैं पहले बता चुका 1500 प्लस क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। इसमें साइंस के, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, फिजिक्स करवा चुका एक बार, उसके बाद अभी केमिस्ट्री चल रही, इसके बाद बायोलॉजी चलेगी, उसके बाद फिर फिजिक्स चलेगी, इस तरीके से चलता जाएगा, और हमारे 1500 क्वेश्चन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो कोई सी भी एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे संबंधित एग्जाम जो भी है, पटवार, एलडीसी वगैरह, सब बाहर सवाल हमारा जाएगा नहीं, ठीक है। तो 121वां क्वेश्चन जो है वो है, वह हेलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी यानी दर्द निवारक की तरह किया जाता है। दर्द निवारक को इंग्लिश में हम बोलते हैं दोस्तों पेन किलर। आपने कई बार टैबलेट्स खाई होंगी दर्द होने पर पेन किलर्स के रूप में, तो ऐसा हेलोजन जो कि पीड़ाहारी यानी पेन किलर के रूप में भी काम करता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, या फिर फ्लोरीन है। फटाफट आंसर बताइए दोस्तों, 20 सेकंड, हमेशा की तरह 20 सेकंड जो है आपके पास हैं, फटाफट आंसर बताइए कौन सा ऐसा हेलोजन है जिसे पेन किलर के रूप में जाना जाता है। देखिए सभी है ना, स्टे होम रहिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कुछ ऐसी कोशिश कीजिए कि होम यानी घर पर रहें, ठीक है, तभी आप सेफ रह पाएंगे, मास्क लगा कर रहें दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, अभी कोरोना जो है इंडिया के गांवों में भी दस्तक दे चुका है, ठीक है, अधिकतर जो गांव है उनमें भी करीब 60-70% आबादी दोस्तों इस टाइम कोरोना काल से भ्रमित है और ग्रसित भी है, दोनों ही बातें हैं, ठीक है। तो असली भारत जो है हमारा गाँव में बसता है, आपको पता होगा, अगर वहां संक्रमण ज्यादा फैलेगा तो फिर उभरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, घर पर रहें, सेफ रहें, ठीक है। राइट आंसर जो है वो यहाँ पर है दोस्तों आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा हेलोजन है, आयोडीन एक ऐसा हेलोजन है दोस्तों जिसका उपयोग पेन किलर के रूप में भी डॉक्टर्स के द्वारा साइंस में किया जाता है। तो 121 में आपका सी आ गया है। अभी हम चलते हैं 122वें क्वेश्चन की तरफ। 122वां क्वेश्चन है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट आप सब जानते हैं, ट्यूबलाइट में कम प्रेशर पर, निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है ताकि ट्यूबलाइट आसानी से जल जाए और उसके अंदर वायु भी ना रहे, ठीक है। आर्गन और नियोन दोनों अक्रिय गैसें हैं, ये नोबल गैसें हैं। दूसरा है नियोन और पारद वाष्प, सी है नाइट्रोजन और नियोन, और डी है केवल आर्गन। पारद वाष्प को आप पारा वाष्प भी कह सकते हो, मरकरी वाष्प भी कह सकते हो, ठीक है। तो ट्यूबलाइट में जो बहुत कम दाब होता है उस पर कौन सी गैस भरते हैं, तो यहाँ जो आंसर हमारा आएगा दोस्तों वो आएगा नियोन और पारा, ठीक है। नियोन और पारा, आपको पता होगा कि जो बल्ब होते हैं दोस्तों उस बल्ब में गैस भरी जाती है आर्गन। कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन। वहां के अंदर निर्वात बनाने के लिए आर्गन गैस भरी जाती है, और ट्यूबलाइट में जो है वो नियोन और पारे की वाष्प भरी जाती है, इसको पारद वाष्प भी हम बोल सकते हैं। नियोन आर्गन या फिर आपका नियोन हो गया, आर्गन हो गया दोस्तों, इसके अलावा जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सारी जो गैसें हैं दोस्तों, हीलियम हो गया, ये सारी गैसें कैसी गैसें? अक्रिय गैसें। इन्हें कौन सी गैसें कहते हैं? नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस। तो नियोन लिया और पारे की जो पारा धातु है उसकी वाष्प ली, उससे ट्यूबलाइट में गैस भरी जाती है। एक साथ सभी मेरे दोस्तों को नमस्कार है, सभी को राम राम है दोस्तों। टेस्ट पेपर पे ध्यान दीजिए, ये फाइल यहीं तक थी दोस्तों, अभी मैं दूसरी फाइल निकाल रहा हूँ 122 से आगे वाले क्वेश्चन होगी। ये देखिए 123वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। देखिए 123 क्वेश्चन क्या है कि फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है। फलों को आर्टिफिशियल, आपने देखा होगा केला होता है, आम होता है, पपीता होता है, ठीक है, इनको कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस होती है, ईथर होगी, अमोनिया होगी, एसिटिलीन होगी या फिर एथिलीन होगी। दोस्तों मैं आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ, फटाफट आंसर बताएं सभी दोस्तों, कौन सा इसमें आंसर आएगा, फटाफट आंसर दें।
ईथर होगा, अमोनिया होगा, एसिटिलीन होगा या फिर एथिलीन होगा। फटाफट आंसर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ आंसर सी भी आ रहा है और डी भी यहाँ पर आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, राइट आंसर यहाँ पर है दोस्तों एसिटिलीन। कौन सा है आंसर? राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका आ चुका है एसिटिलीन। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं, अगर एसिटिलीन ऑप्शन में नहीं होगा, अगर एसिटिलीन ऑप्शन में नहीं होता है तो फिर आप आंसर जो करके आओगे वो करके आओगे इथिलीन, क्योंकि इथिलीन एक तरीके से इथाइलिन है और इथाइलिन भी गैसीय हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? गैसीय हार्मोन होता है जो कि फलों को पकाने के काम आता है, फलों को पकाने के काम आता है, मैच्योर करने के काम आता है कृत्रिम तरीके से। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में एसिटिलीन है तो फिर आप कौन सा आंसर करके आएंगे दोस्तों? एसिटिलीन। लगभग लगभग सभी का आंसर जो है वो सी है, डी भी कईयों ने बताया है। अभी चलते हैं हम 124वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, रेलवे की एग्जाम में ज्यादातर आता है दोस्तों, एसएससी में भी है पर रेलवे का ज्यादा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? वुड स्प्रिट भी कहा जाता है, वुड स्प्रिट, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एथिलीन या ग्लिसरॉल, बताइए किसको वुड स्प्रिट यानी लकड़ी का जो स्प्रिट आता है वुड स्प्रिट वो भी कहा जाता है। मेथिल अल्कोहल को कहेंगे, एथिल अल्कोहल कहेंगे, एथिलीन को कहेंगे या फिर ग्लिसरॉल को कहेंगे? आंसर बताइए दोस्तों। 20 सेकंड्स आपके पास है, सभी विद्यार्थी आंसर दें। वैसे ही बहुत दिनों में अपन टेस्ट पेपर ले रहे हैं इसलिए टेस्ट पेपर को बिल्कुल सिंसियर तरीके से लें। ये लाइव टेस्ट है और लाइव टेस्ट में हमेशा आपको पता है दोस्तों समय लगता है। ठीक है, रिकॉर्डेड अगर टेस्ट हो तो 10 मिनट में खत्म हो जाता है लेकिन लाइव टेस्ट में आपकी प्रैक्टिस होती है इसलिए मैं आपको कुछ समय देता हूँ आंसर देने के लिए, तो उसका महत्व समझें और फायदा उठाएं। बिल्कुल आंसर जो है यहाँ पर आपका आ गया है मेथिल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल? मेथिल अल्कोहल। देखिए आपको पता होगा एथिल अल्कोहल का मतलब होता है शराब। एथिल अल्कोहल से क्या बनती है दोस्तों? शराब बनती है। ये शराब जब जहरीली हो जाती है, कई बार आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में जहरीली हथकड़ी, देसी शराब पीने से 8 लोगों की मृत्यु, कुछ ऐसा सुना होगा। तो जब ये शराब जहरीली हो जाती है इसका मतलब इस शराब में एथिल अल्कोहल की जगह कौन सा अल्कोहल आ गया है? मेथिल अल्कोहल आ गया है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, और मेथिल अल्कोहल को ही कौन सा स्प्रिट कहते हैं दोस्तों? वुड स्प्रिट कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन आया शराब बनाने में कौन सी अल्कोहल काम आती है तो आपका आंसर होगा एथिल अल्कोहल, अगर जहरीली शराब पूछा जाए तो फिर आंसर आएगा मेथिल अल्कोहल, और वुड स्प्रिट किसको कहा जाता है? मेथिल अल्कोहल को। इसके अलावा शराब बनाने की जो विधि है वो फर्मेंटेशन यानी क्या कहलाती है दोस्तों? किण्वन कहलाती है। क्या कहलाती है? किण्वन। अंगूर का उपयोग वाइन में है ना, वोदका वगैरह में, रम में किया जाता है, जौ के पानी का उपयोग किया जाता है, अन्न का उपयोग, तो अन्न अल्कोहल भी बोलते हैं। एथिल अल्कोहल को ध्यान रखिएगा, एथिल अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो एथिल अल्कोहल को अन्न अल्कोहल भी बोलते हैं, क्योंकि जो जो है अंगूर है ये सब अन्न में आते हैं, जो तो अन्न में आता ही है। ठीक है, और वुड स्प्रिट जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? मेथिल अल्कोहल को। तो यहाँ हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम 125वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है, बताइए। बहुत प्यारा सवाल है, निम्नलिखित में से एथेनॉल जो है, एथेनॉल भी बोल सकते हैं, वो किससे प्राप्त किया जा सकता है? चावल से, सूरजमुखी से, गन्ने से या फिर पेट्रोल से? फटाफट 20 सेकंड के अंदर आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से जो एथेनॉल है वो किससे प्राप्त किया जा सकता है? फटाफट आंसर दे, चावल, सूरजमुखी, गन्ना या फिर पेट्रोल? बिल्कुल गन्ना भी आंसर दिया जा रहा है यहाँ, पेट्रोल भी दे रहे हैं कई विद्यार्थी, चावल भी बता रहे हैं। यहाँ आंसर जो है मेरे मित्रों वो है दोस्तों गन्ना। कौन सा है? गन्ना, सुगर केन। गन्ना जो है वो, उससे हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? एथेनॉल प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ताजा में एमपी जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में काफी सालों से दोस्तों अभी ताजा में भी एथेनॉल और अल्कोहल दोनों को मिलाकर और गाड़ियों में पेट्रोल के रूप में काम में लिया जा रहा है। ये करंट जीके का भी सवाल है, किसके रूप में काम लिया जाता है? पेट्रोल, पेट्रोल के रूप में भी काम लिया जाता है। इस गन्ने से निकाला हुआ जो एथेनॉल है, एथेनॉल है, इसके अलावा अल्कोहल, इसी को बोल सकते हैं वैसे, और कुछ मात्रा में पेट्रोल भी हो सकता है। तो पेट्रोल की एक तरीके से बचत हो रही है क्योंकि पेट्रोल परंपरागत है, पेट्रोल जो है वो लिमिटेड है वर्ल्ड में, ठीक है ना। तो इसकी जगह जो है वो गन्ने का एथेनॉल भी काम में लिया जा रहा है पेट्रोल अल्कोहल के साथ मिलाकर। तो ये जो एथेनॉल अगर आपसे कोई पूछेगा किससे प्राप्त किया जा सकता है तो आपका आंसर होगा शुगर केन, यानी किससे? गन्ने से प्राप्त किया जा सकता है। राइट आंसर इज सी, सभी का लगभग वो सही है। अभी हम चलते हैं 126वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए बड़ा प्यारा सवाल है, बैकेलाइट, बैकेलाइट किन पदार्थों के संघनन, संघनन इनके मिश्रण से बनता है? यूरिया व फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल व फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल व एसिटाल्डिहाइड, मेलामिन और कार्बेनडिहाइड। पहली बात तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप सॉल्व कीजिए, 20 सेकंड है आपके पास, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए, बैकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। कौन सा प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना, जैसे ये प्लास्टिक है ना, देखिए ये इस तरीके का प्लास्टिक है, ये आपको दिख रहा है, ये इस तरीके का प्लास्टिक है। तो ये
कड़क है यानी टाइट है, तो टाइट प्लास्टिक आते हैं, कीबोर्ड है, बिजली के स्विच है, बिजली के जो स्विच होते हैं ठीक है, कुकर के जो हैंडल होते हैं, मजबूत प्लास्टिक का जो सामान होता है वो बैकेलाइट का बना होता है, और बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है यानी ताप दृढ़ प्लास्टिक है। दो प्रकार के प्लास्टिक होते हैं, ताप दृढ़ और ताप सुनम्य, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक पिघल जाते हैं, जैसे पॉलिथिन हो गया वो पिघल जाएगा, लेकिन जो बैकेलाइट और मेलेमाइन है, बैकेलाइट और जो मेलेमाइन है ये दो है दोस्तों, ये कभी पिघलते नहीं है, ये टूटते ही है, पिघल नहीं सकते हैं ना, नरम नहीं होते हैं क्योंकि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो हमसे सवाल ये पूछा गया है कि बैकेलाइट किस किस से बनता है, बैकेलाइट जो है सॉरी वो किस किस से बनता है, तो राइट आंसर यहां पर हमारा हो गया है दोस्तों बी, फिनॉल व फॉर्मेल्डिहाइड। और ये क्वेश्चन जो है ना दोस्तों ये इतनी बार आया जिसकी हद नहीं है, एलडीसी जो है 2018 में भी आया हुआ है, राजस्थान एलडीसी 2018 में आया हुआ है, जूनियर अकाउंटेंट 4 अक्टूबर 2016 को भी आया हुआ है, मैं आपको बताता जा रहा हूं, एसएससी एमटीएस 2014 में भी आया हुआ है ठीक है। तो बहुत सारी एग्जामों में आपको ये लगभग हर साल ही किसी न किसी एग्जाम में आपको ये मिल जाएगा, तो आप अच्छे से याद कर लेना। फिनॉल व फॉर्मेल्डिहाइड जो है ये बैकेलाइट को बनाते हैं, और फिनॉल जो है, यहाँ पर फिनॉल की बात कर लेते हैं, फिनॉल जो है दोस्तों एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है, याद रखेंगे कौन सा यौगिक है, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है, एरोमेटिक ये भी याद रखना आप, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है जो कि बेंजीन वलय से, कौन सी वलय से जुड़ा रहता है, बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है, बेंजीन रिंग जिसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं, और ये जुड़ा होता है हाइड्रोक्साइल आयन से, कौन से आयन से जुड़ा होता है, हाइड्रोक्साइल आयन से जुड़ा होता है, हाइड्रोक्साइल या हाइड्रोक्सिल भी बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइल आयन से जुड़ा रहता है फिनॉल। ये आपको ना कुछ इस तरीके की इसकी संरचना होती है, आप देखी होगी आपने, इस तरीके से OH समूह से जुड़ा हुआ होता है ये, इस तरीके से है ना, फॉर फिनॉल जो है वो इसका जो सूत्र है दोस्तों फिनॉल का वो है C6H5OH, ये भी आपको ध्यान रखना है C6H5OH, ये इसका जो है वो सूत्र है फिनॉल का, और ये एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है जो कि बेंजीन वाले से हाइड्रोक्साइल आयन यानी OH समूह से जुड़ा हुआ होता है ठीक है। वहीं पर हम और बात करें दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड की, फॉर्मेल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो फॉर्मेल्डिहाइड भी कुछ इस तरीके का ही आयन सॉरी इस तरीके का ही जो बेंजीन वाले से जुड़ा रहता है, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक है ये भी। और इसके अलावा फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें तो इसको हम CHO से प्रदर्शित करते हैं ठीक है, CHO से जुड़ा रहता है, जैसे अभी मैंने बताया ना कि जो फिनॉल होगा वो OH से जुड़ा रहेगा, हाइड्रोक्साइल आयन से जुड़ा रहेगा, इसी प्रकार जो एल्डिहाइड होता है फॉर्मेल्डिहाइड ये CHO समूह से जुड़ा रहता है, कौन से समूह से जुड़ा रहता है, CHO समूह से जुड़ा रहता है, और इसका जो सूत्र है दोस्तों वो है CH2O, दिख रहा होगा आपको इसका सूत्र जो है वो है CH2O, इधर मेरी क्या फोटो आ रही होगी तो इसलिए आप मैंने ऊपर कर दिया, इसका सूत्र जो है वो होगा आपका CH2O, जबकि फिनॉल का जो सूत्र है वो है C6H5OH। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार सूत्र पूछ लेते हैं C6H5OH प्लस CH2O, इन दोनों से मिलके क्या बना होता है, बैकेलाइट बना होता है, और ये हजार बार पूछा गया सवाल अब तक एग्जामों में, कई बार तीन एग्जामों के तो मैंने आपके सामने उदाहरण दे दिए, जूनियर अकाउंटेंट LDC SSC MTS वगैरह ना, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। बैकेलाइट का यूज भी समझा दिया आपको, बिजली के स्विच बनाने में, प्लास्टिक के सामान बनाने, कुकर के हैंडल बनाने में इसका उपयोग होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये भी आपको ध्यान रखना, मेलेमाइन भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ठीक है। चलिए 127वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये तो सब दे देंगे इसका आंसर, तो बहुत इजी सवाल है लेकिन आता है एग्जाम में, चींटी के काटने पर किसका अंतःक्षेपण होता है, अंतःक्षेपण का मतलब किसका निकास होता है ना शरीर में, फॉर्मिक एसिड का, एसिटिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड का या टार्टरिक एसिड का, तो इसका आंसर तो मैं ही दे देता हूँ, इसका राइट आंसर जो है वो है फॉर्मिक अम्ल ठीक है। चींटी के डंक में चींटी हुई, आपकी मधुमक्खी हुई, बिच्छू हुआ, इनके जो डंक होता है दोस्तों, जो दंश होता है या डंक हम बोल सकते हैं, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, और इसी एसिड की वजह से जब चींटी हमको काटती है, मधुमक्खी काटती है या बिच्छू का डंक लगता है तो हमें क्या महसूस होती है दोस्तों, तीव्र जलन महसूस होती है। बिच्छू में थोड़ा ज्यादा होता है इसलिए उससे मौत भी हो सकती है, चींटी और मधुमक्खी में थोड़ा कम होता है तो उससे सिर्फ थोड़ी सी क्या होती है, सूजन हो जाती है, हल्का सा क्या रहता है, दर्द रहता है, जलन तीनों में होगी ठीक है। किसके कारण होगी, फार्मिक एसिड के कारण होगी। तो 127वें में राइट आंसर इज ए। अभी चलते हैं हम 128वें क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किस एक के संचयन से, निम्नलिखित में से किस एक के संचयन, संचयन का मतलब इकट्ठा होना, धावक यानी एथलीट्स को दौड़ने के बाद पैरों की मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार ये सवाल आता है एग्जाम में ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना,
स्टार लगा लेना। किसके कारण मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है, थकान होती है। तो यहाँ राइट आंसर जो है वो सभी विद्यार्थियों ने दिया है, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जो है वो है ए, बिल्कुल सही है। लैक्टिक अम्ल, कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल जो है दोस्तों दूध से जब दही बनता है तो उसमें भी पाया जाता है, और इसके अलावा जो मसल्स में जो एक तरीके से कई बार वो आ जाता है, खिंचाव आ जाता है। क्या आ जाता है? खिंचाव आ जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, खिंचाव स्टिफनेस जो आ जाती है दोस्तों वो भी किसकी वजह से आती है? लैक्टिक अम्ल की वजह से आती है। कई बार हम बहुत ज्यादा दौड़ लेते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं, जिम में जाए आप, और लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाएगा तो थकान के फलस्वरूप वहां दर्द रहेगा मसल्स में, ठीक है, तो 2-3 दिन में अपने आप सही हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा है दोस्तों? ए हो गया है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 129वें क्वेश्चन की तरफ। बड़ा प्यारा सवाल है, फोटोग्राफी में कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? फार्मिक एसिड का, ऑक्सैलिक एसिड का, सिट्रिक एसिड का, एसिटिक एसिड का। देखिए फोटोग्राफी जो है यानी जिसमें रील बनती है, नेगेटिव्स बनती है, उसमें एसिड का उपयोग होता है, केमिकल्स का उपयोग भी होता है, इसके अलावा अम्ल का उपयोग भी होता है। फटाफट आंसर दें, कौन से अम्ल का उपयोग होगा? फटाफट आंसर दें सभी विद्यार्थी। फार्मिक एसिड का होगा, ऑक्सैलिक का होगा, सिट्रिक का होगा या एसिटिक एसिड का होगा? 20 सेकंड से आपके पास, फटाफट आंसर दें सभी विद्यार्थी। मैं देख रहा हूँ सबके कमेंट, नाम नहीं ले रहे हैं किसी का आप आंसर दीजिए फटाफट। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को नमस्कार है, एक साथ आंसर बताइए। सभी का चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद है। अब से कंटिन्यू जो है वो टेस्ट पेपर्स लगेंगे, क्लासें होंगी ऑनलाइन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी, अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन है लगभग लगभग 95% सही हो गए हैं, तो बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे आज से। राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है, ए दिया है। नहीं नहीं नहीं, ए नहीं है, ए नहीं है, मैं खुद गलत लगा गया, ए नहीं है दोस्तों। राइट आंसर जो है ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल तो चीज ठीक है, डंग में आता है, ऑक्सैलिक एसिड है। कौन सा एसिड है दोस्तों? ऑक्सैलिक एसिड। अब आप कहोगे साहब ऑक्सैलिक एसिड जो है वो तो टमाटर में भी पाया जाता है। बिल्कुल ऑक्सैलिक अम्ल जो होगा वो टमाटर में भी होता है, ठीक है। किसमें होता है? टमाटर में भी होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ टमाटर जो है उसमें ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग आप कहीं नहीं करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों। ऑक्सैलिक अम्ल जो है उसका उपयोग सल्फेट ऑक्सैलेट के रूप में, याद रखेंगे, सल्फेट ऑक्सैलेट के रूप में फोटोग्राफी में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, विरंजन उद्योग में भी यानी कपड़ों पे से रंग हटाने के उपयोग में भी जो है, इंडस्ट्री में भी ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। टमाटर से कपड़ों पर लगे शाही के धब्बे भी छुड़ाए जाते हैं, आप ध्यान रखेंगे, शाही के धब्बे जो दाग होते हैं, जो धब्बे होते हैं, उनको छुड़ाने में भी ऑक्सैलिक एसिड काम आता है, इसलिए मैंने बोला विरंजन उद्योग में, ठीक है। इसके अलावा इसका सल्फेट ऑक्सैलेटिक जो यौगिक है, सल्फेट ऑक्सैलेट जो कंपाउंड है यौगिक है, उसका उपयोग किसमें किया जाता है? फोटोग्राफी में किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा हो गया दोस्तों? बी हो गया। थोड़ा टफ सवाल था लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, ये यूज भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके यूज भी एग्जाम में आते हैं ये सारे जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अभी हम चलते हैं 130वें क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल एसएससी की जो एग्जाम्स होती हैं, रेलवे की जो एग्जाम्स होती हैं, उनमें कई बार सुमेलित करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं, और मैं जब भी टेस्ट पेपर लेता हूँ सुमेलित वाला जरूर देता हूँ। देखिए इधर चार अम्लों के नाम हैं और इधर चार जो है वो खाद्य स्रोत हैं। कौन से स्रोत हैं दोस्तों? खाद्य स्रोत है, आपको इनसे मिलाना है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टार्ट्रिक किसमें, ऑक्सैलिक किसमें, सिट्रिक किसमें? 20 सेकंड आपके पास है, फटाफट आप सभी आंसर देंगे। बिल्कुल सभी आंसर दें, तुरंत प्रभाव से आंसर देंगे सभी विद्यार्थी सॉरी बिल्कुल लैक्टिक अम्ल किसमें होगा? ए ऑप्शन है आपके सामने, बी है, सी है, डी है, फटाफट सुमेलित करके बताएं। चलिए अब आपको मैं आंसर बताता हूं, जिस विद्यार्थी ने ए भी दिया है, कहीं उन्होंने डी भी दिया है, सी भी दिया है। अच्छा यहाँ कुछ थोड़ी सी मिस्टेक है, थर्ड में ये दोनों में 3-3 लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ जो है इसको आप चार, तो इधर है एक है तीन है, देखते हैं इधर दोनों में 3 है। चलिए अभी करके देखते हैं अपन किस, कौन सा आंसर आएगा। देखिए लैक्टिक अम्ल जो है वो पाया जाता है, अभी मैंने आपको बताया था दही में, अभी मैंने बताया था आपको दूध से दही बनने के दौरान, तो पहले में जो है वो आ गया है दोस्तों चौथा, यानी फर्स्ट में फोर्थ। तो फर्स्ट में फोर्थ किस किस में? ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, इन दोनों में से आंसर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट में फोर्थ है, चलिए ठीक है।
दूसरी टार्ट्रिक एसिड जो है, टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों इमली में, किसमें पाया जाता है इमली में, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो जो सेकंड है उसमें आपका आएगा पहला, तो सेकंड में पहला कौन सा है ये, तो अपना आंसर जो है डी हो गया है, कौन सा हो गया डी, ए क्रॉस हो गया। इस तरीके से आप ऑप्शंस को आउट कर सकते हैं, पूरा ऑप्शंस आपको देखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ थोड़ी सी इसमें जो है मिसप्रिंट है वो अभी सही करते हैं। देखिए ऑक्सैलिक अम्ल जो है वो टमाटर में, यानी थर्ड में तो तीन ही आएगा, इसका मतलब फोर्थ में जो है वो आएगा दो, यानी सिट्रिक एसिड जो पाया जाता है वो नारंगी, बिल्कुल सही है। साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड नारंगी हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, उसमें आता है खट्टे पदार्थों में ना, लेकिन इमली और अंगूर जो है खट्टे होते हुए भी कौन सा एसिड रखती है टार्ट्रिक। तो फर्स्ट में फोर्थ, सेकंड में वन, थर्ड में थर्ड और फोर्थ में कौन सा आएगा टू, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया दोस्तों, राइट आंसर इज डी, ठीक है, बिल्कुल सही है सभी का, या फिर कईयों ने गलत भी दिया था आंसर मिसप्रिंट की वजह से, कोई बात नहीं, कई बार मिसप्रिंट हो जाती है। अभी चलते हैं 131वें क्वेश्चन की तरफ, ट्राइनाइट्रोटोलिन यानी टीएनटी क्या है बताइए, एपत्रण नाशक है, कीटाणु नाशक है, विस्फोटक है या फिर जीवाणु नाशक है, 20 सेकंड है आपके पास, फटाफट आंसर बताइए। बिल्कुल 20 सेकंड है, ट्राइनाइट्रोटोलिन क्या है, 20 सेकंड, फटाफट आंसर दें सभी विद्यार्थी, बिल्कुल मैं देख रहा हूं सभी विद्यार्थी आंसर देंगे मित्रों, बिल्कुल जल्दी जल्दी करें इसको आंसर देने में, क्योंकि ये तो आता है तो बिल्कुल टिक लगाए, नहीं आता है तो छोड़ दें इसको, स्किप भी कर सकते हैं। चलिए ट्राइनाइट्रोटोलिन जो है वो एक विस्फोटक है दोस्तों, क्या है विस्फोटक है, इसका जो आविष्कार किया था आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जूलियस विलब्रांड, ठीक है, जूलियस विलब्रांड ने इसकी क्या की थी दोस्तों, डिस्कवरी, खोज की थी, और इसका उपयोग जो है विस्फोटक, यानी आपने सुना होगा ना आरडीएक्स सुना होगा, टाइम बॉम्ब सुना होगा, आरडीएक्स भी क्या है दोस्तों, एक विस्फोटक है, क्या है विस्फोटक है, डायनामाइट जो है जिसके आविष्कारक आपको पता होगा अल्फ्रेड नोबल है, डायनामाइट, डायनामाइट इस, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी एक विस्फोटक है, क्या है विस्फोटक है, ऐसे ही टीएनटी ट्राइनाइट्रोटोलिन का उपयोग भी विस्फोटक के रूप में किया जाता है, जिसके खोजकर्ता जो थे वो थे जूलियस विलब्रांड, है ना, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इसको, खोज भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 132वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक रूप से किसमें उपयोग किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी हम कह सकते हैं, सीएफसीज का उपयोग किसमें किया जाता है, माइक्रो ओवन में, सोलर हीटर में, वॉशिंग मशीन में या फिर रेफ्रिजरेटर में, तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है रेफ्रिजरेटर, बिल्कुल सही है, रेफ्रिजरेटर में कूलेंट यानी प्रशीतक, प्रशीतक का मतलब ये एग्जाम में आता है ध्यान रखना, ये एग्जाम में आता है प्रशीतक के रूप में, रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग होता है, सीएफसी का उपयोग होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, और मैं आपको बता दूं कि जो प्रशीतक होते हैं, कूलेंट होते हैं, ये फ्रिज के तापमान को ठंडा बनाए रखने का काम करते हैं, ठंडा बनाए रखने का काम करते हैं। इसके अलावा सीएफसी का उपयोग जो है वो डीओ में भी होता है, डीओ जानते हैं ना आप परफ्यूम, फ्रिश डीओ में भी होता है, परफ्यूम्स में भी होता है सीएफसी का उपयोग, और ये ओजोन परत, आप ध्यान रखेंगे ओजोन परत के क्षरण यानी ओजोन परत के जो पतले होने का जो मुख्य कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ये क्लोरीन ही है दोस्तों, है ना, इसमें जो क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है, कार्बन होता है, वो ओजोन परत में छिद्र का या उसके पतलेपन का कारण है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो गया, रेफ्रिजरेटर जिसको हम सामान्य भाषा में फ्रिज भी कह देते हैं दोस्तों, उसमें प्रशीतक कूलेंट के रूप में, ताप को ठंडा बनाए रखने के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उपयोग किया जाता है, ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अभी चलते हैं 133वें क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, यहाँ नहीं देना है लाइव चैट में, नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी, मैंने देखा है पिछले वीडियोज में सभी विद्यार्थी जो है जो टेस्ट पेपर देते हैं या फिर बाद में देखते हैं वो कमेंट में आंसर नहीं देते हैं, तो सभी विद्यार्थी कमेंट्स में आंसर दें वीडियो के नीचे, यहाँ नहीं देना है, ठीक है। साबुन निर्माण के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए, यानी इसमें तीन सत्य हैं सोप मेकिंग में और एक असत्य है, साबुन सोडियम और पोटेशियम लवणों से बनाए जाते हैं, दीर्घ कार्बन श्रृंखला होती है साबुन निर्माण में, या फिर इनकी प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं या फिर साबुन बनाने की प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं, इनमें से ए बी सी डी इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा असत्य है दोस्तों, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। आज के टेस्ट पेपर में दोस्तों हमने जो 133 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, इसके बाद का टेस्ट पेपर जो है बिल्कुल लाइव चलेगा कल, वही रोजाना जो चलता है 9:30 बजे, ठीक है,
तो सभी मेरे दोस्त प्यारे डियर स्टूडेंट सभी उपस्थित रहे, जिनको पता नहीं है उनको वीडियो को दोस्तों शेयर भी कीजिएगा और लाइक नहीं किया तो लाइक भी ठोके दबा के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, और बाकी का टेस्ट पेपर हम आगे कल चलेंगे। इस टेस्ट पेपर का जो लास्ट 133 क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आपको नीचे कमेंट में देना है, ठीक है। तो आज के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को गुड नाइट।